गोलगप्पा वाला बना करोड़पति। एक गांव में प्यारे लाल नाम का एक बहुत बड़ा मिठाई की दुकान वाला रहता था। उसके तीन बेटे थे, अजय, विजय और संजय। अजय और विजय ने अच्छी तरह पढ़ाई की थी, पर संजय को पढ़ना रास नहीं आया। ऊपर से वो भोला था, वो हमेशा प्यारे लाल के साथ रहकर मिठाई बनाना सीख रहा था। प्यारे लाल के देहांत के बाद अजय और विजय ने संजय को जायदाद में से हिस्सा ना देकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। संजय अपने बेटे दीपू को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। पिताजी, इतने बड़े बंगले को छोड़कर हम इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना बेटा, इसीलिए मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम मेरी तरह ना बनो बेटा, खूब पढ़ना, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ यही सोच रहा हूँ बेटा। उस घर से निकलकर हमने अच्छा काम किया पिताजी, वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैसे आप जो मिठाइयाँ बनाते हो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है, खास तौर पर आप जो गोलगप्पे बनाते हो, मेरे दोस्त उसके दीवाने हैं। कल से हम गोलगप्पे बनाकर बेचते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है दीपू, पर तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन संजय ने गोलगप्पों के लिए जरूरी सामग्री सब तैयार किया, जैसे पूरी, पानी वगैरह वगैरह। उन्हें बेचने के लिए ले जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी एक लिलीपुट संजय के सामने प्रकट हुआ। मेरा नाम गोगो है, आज तुमने क्या बनाया है उसकी खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, मैं उसका स्वाद देखने के लिए यहाँ आया हूँ। संजय ने गोगो को अपने भाइयों के बारे में सब कुछ बताया। आज से मैं गोलगप्पे बेचने का काम कर रहा हूँ, तुम ही मेरे पहले ग्राहक हो, ये गोलगप्पे खाकर मुझे जरा बताना कैसा है। गोगो ने उन गोलगप्पों को खाया। अरे वाह, बड़े स्वादिष्ट हैं ये तो, मुझे ये बहुत पसंद हैं। आज से मैं हर रोज इन्हें खाने आऊंगा। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए बोनी, कहकर एक सिक्के को संजय के हाथ में थमाया। संजय ने उस सिक्के को इधर उधर पलटा। ये सिक्का मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो। मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेता, कभी ना कभी ये सिक्का तुम्हारे काम आएगा, इसे संभाल कर रखो। संजय ने उस सिक्के को एक खाली बक्से में डाला। हर रोज गोगो संजय के पास आता, गोलगप्पे खाता। एक सिक्का देकर वहां से चला जाता। संजय हर रोज गोगो के जाने के बाद दीपू के स्कूल के बाहर गोलगप्पे बेचने लगा। दीपू के दोस्त आकर गोलगप्पे खाने लगे। कुछ ही दिनों में गोलगप्पे के बारे में सारे गांव में खबर फैल गई। सब उसके गोलगप्पे खाने के लिए उसके पास लाइन लगाने लगे। कुछ ही दिनों में संजय का धंधा खूब बढ़ गया। एक दिन संजय गोलगप्पे बेच रहा था कि अजय और विजय उसके पास आए। हमें माफ कर दो संजय, हम तुम्हारे हिस्से का जायदाद हड़पना चाहते थे, इसीलिए तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया। मिठाई की दुकान नौकरों के हाथ में सौंप दिया, उन्होंने हमारी सारी संपत्ति लूट ली। हम दोनों मिठाई बनाना जानते नहीं, नौकर जो मिठाई बनाते थे वो एकदम बेकार होते थे। इस तरह पिताजी ने जो इतने सालों में नाम कमाया था वो दो ही सालों में मिट्टी में मिल गया। हमारी सारी संपत्ति लूट गई। जो मर्सिडीज कार पिताजी को बहुत पसंद थी उसे भी कर्जदार ले गए। हम समझ नहीं पाए कि हम क्या करें, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तभी दीपू और गोगो उस बक्से को लेकर वहाँ पहुँचे। पिताजी, जरा इसका ढक्कन खोलकर देखना। संजय ने ढक्कन खोलकर देखा तो वो बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जब तुमने अपनी कहानी सुनाई तभी मैं समझ गया था कि तुम अपने भाइयों से कितना प्यार करते हो। तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी गलती को मान लिया है और सच्चे मन से तुम्हारे पास आए हैं। बचपन से जो तुमने मेहनत की आज वो रंग लाई है। इन सोने के सिक्कों की मदद से जो कुछ तुमने खोया है सब तुम वापस हासिल कर लो, कहकर गोगो वहाँ से गायब हो गया।
गोगो के दिए हुए उन सिक्कों से संजय के भाइयों ने जो कुछ खो दिया सब संजय ने वापस पा लिया। प्यारे लाल के पसंद के मर्सिडीज कार को भी कर्जदारों से वापस ले लिया। दीपू ने अपने पिताजी को उस मर्सिडीज कार के सामने खड़ा करके फोटो निकाला। संजय बहुत खुश हुआ। बाकी सोने के सिक्कों से संजय ने गोलगप्पे का धंधा फिर शुरू किया और साथ साथ अपने पिताजी के मिठाई को दुकान को भी चलाते हुए खूब पैसे कमाने लगा। खिलौना चोर। रायगढ़ नाम के गांव में गंगाधर नाम का व्यक्ति खिलौनों की दुकान चलाता था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों को कैसे ठगा जाए यही सोचता रहता था। एक दिन सुदीप नाम का लड़का अपने दोस्त लक्की और विक्की के साथ गंगाधर की दुकान पर गया। सुदीप ने गंगाधर को पैसे दिए। हेलो अंकल, मुझे वो हेलीकॉप्टर वाला खिलौना दीजिए, पैसे सही सही गिन लीजिए। परसों आपने ये कहकर कि पैसे कम पड़ गए मुझे खिलौना देने से मना कर दिया था। तुम्हें वो खिलौना अब भी नहीं मिलेगा, एक रुपया कम दिया है। क्या, एक रुपए के लिए कंजूसी कर रहे हो? मैं शाम को लाकर दे दूंगा, अभी मुझे वो खिलौना दे दो, नहीं तो दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे जाओ जाओ, तुम और तुम्हारी इज्जत। वैसे भी मैंने सुना कि तुम बड़े चोर हो, से बहुत लोगों ने कहा है। अच्छा, आपसे बहुत लोगों ने कहा है कि मैं चोर हूँ, तो अब आप खुद ही देख लो। कहकर वहाँ से हेलीकॉप्टर का खिलौना लेकर भाग गया। ये देखकर गंगाधर चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो कहकर उसके पीछे भागने लगा। लेकिन सुदीप उसके हाथ नहीं लगा। उसके बाद सुदीप स्कूल गया और अपने प्रिंसिपल से ये सारी बात बताई। ये सुनकर प्रिंसिपल, ये क्या सुदीप, सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो और तुम चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? सर, एक रुपया कम पड़ रहा था, मैंने उसे कहा भी कि मैं शाम को दे दूंगा, पर वो मुझे चोर कहता है सर, इसीलिए मैं ये खिलौना लेकर आ गया सर। चाहो तो आप लकी और विक्की को पूछ सकते हैं कि मैंने पैसे दिए थे या नहीं। सर, ये सुदीप झूठ बोल रहा है, गंगाधर अंकल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं सर, सुदीप खिलौना चुरा कर लाया है, उसने कोई पैसे नहीं दिए सर। ये सुनकर प्रिंसिपल ने सुदीप को मारा और गंगाधर को वो खिलौना लौटा दिया। बाद में विक्की से सुदीप, क्यों यार, मुझे पैसे देते हुए तुमने देखा था ना, फिर झूठ क्यों बोला? अरे गंगाधर जी मेरे मामा हैं, मैं तो उन्हीं की तरफदारी करूंगा ना, और नहीं तो क्या, बड़े ढंगे मारते हो कि तुम बहुत पढ़ाको, अब देखते जाओ, स्कूल में सब तुम्हें चोर कहकर बुलाएंगे, अब पता चलेगा तुम्हें। कहकर चले गए। अगले दिन से स्कूल में सब सुदीप को चोर चोर कह के बुलाने लगे। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन रात को घर पर रोते हुए सुदीप के पास उसके मामा जी रॉकी आए। क्यों भांजे, रो रहे हो, शर्म नहीं आती? अकलमंद वो होता है जो धोखा खाने पर उसे सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठता, क्यों उन्हें सबक सिखाना है या नहीं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा मामा जी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं ही सब कुछ करूंगा, तुम बस देखते जाओ। अगले दिन खिलौना खरीदने के लिए गंगाधर के दुकान पर रॉकी गया। उसने एक खिलौना खरीदा और कुछ खिलौने चुरा लिए। उसके बाद जो खिलौने चुराए उसे लकी और विक्की को उसने गिफ्ट के तौर पर दिया। यूं कई दिन तक उसने खिलौने चुराए और उन्हें लकी और विक्की को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। उसके बाद एक दिन रॉकी ने लकी और विक्की को पुलिस का यूनिफॉर्म तोहफे के तौर पर दिया। उसे देखकर विक्की, वाह अंकल जी, आप कितने अच्छे हैं, ऐसे यूनिफॉर्म हमारे गंगाधर मामा जी दुकान पर लाए थे, हमने उसे देने को कहा पर उन्होंने मना कर दिया, वो बहुत बड़े कमीने हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ अगर तुम दोनों पुलिस हो तो चोर कौन है, मैं चोर बन जाऊं? ना अंकल जी, आप क्यों चोर बनेंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं, हमारे स्कूल में सुदीप नाम का एक लड़का है, वही चोर के लिए ठीक होगा, हम उसे लेकर आते हैं। ऐसा कहकर लकी और विक्की पुलिस यूनिफॉर्म में सुदीप के घर गए।
अपने घर पर सुदीप खिलौनों के साथ खेल रहा था। सुदीप यार, तुम दुखी हो ना कि हम तुम्हारे साथ बात नहीं करते? अब अगर चोर बनकर तुम चोर पुलिस का खेल हमारे साथ खेलोगे तब भी हम तुम्हारे साथ बात करेंगे, क्यों, क्या कहते हो? सुदीप उसके लिए मान गया। अब सुदीप अपने खिलौनों के साथ भाग रहा था कि उसके पीछे पुलिस ड्रेस में दोनों विक्की और लकी चोर 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 कहकर भाग रहे थे। यूं थोड़ी दूर भागते भागते वो गंगाधर की दुकान के पास गए। तब गंगाधर ने लकी और विक्की दोनों को रोका। उन दोनों से गंगाधर, क्यों रे चोर, तुम दोनों की ये हिम्मत कि मेरे ही दुकान से तुम पुलिस का ड्रेस चोरी करो? यानी इतने दिनों से मेरे दुकान पर खिलौने चुराने वाले चोर तुम दोनों ही हो? अरे मामा जी, क्या बात कर रहे हो आप? ये सब एक अंकल जी ने हमें गिफ्ट दिया है। वैसे क्या ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी दुकान पर ही होगी? उनकी बातें सुनकर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। हाँ कमीनो, ये कपड़े मैंने सिलवाए थे, और कहीं नहीं मिलेगा। तुम दोनों ही चोर हो, पता चल गया। इतना ही नहीं, मेरे दुकान से हर रोज खिलौने गायब हो रहे हैं, यानी वो चोरी तुम दोनों ही कर रहे हो। अरे हमें चोर कहते हो? सबसे बड़े चोर तो तुम हो। बेचारे सुदीप के पैसे ऐंठ लिए और स्कूल में प्रिंसिपल से हमें झूठ बुलवाया। अच्छा तो अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? याद करो उस दिन तुम दोनों ही आए थे मेरे पास रोते रोते, ये कहने के लिए कि सब सुदीप की तारीफ कर रहे हैं, किसी तरह उसे बदनाम करना होगा। वहीं खड़ा प्रिंसिपल ने ये सब सुना। क्यों रे कमीने, बच्चों को नसीहत देने के बजाय तुम उनसे गलत काम कराते हो। जब तक चार लात ना पड़े तुम नहीं सुधरने वाले। यूं कहकर सब ने मिलकर गंगाधर को खूब मारा। वो मार खाकर गंगाधर वहां से भाग गया। के बाद प्रिंसिपल ने लक्की और विक्की को सुदीप से माफी मांगने के लिए कहा। उस रात को सुदीप ने अपने मामा जी रॉकी को धन्यवाद कहा।